अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 2 सितंबर को एशिया कप में पहला मैच हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने उस मैच को आधा मैच था लेकिन कम्प्लीटली डोमिनेट किया। थोड़े वक्त पे इंडिया ने वापसी की, लेकिन पाकिस्तान ने इजीली ये मैच जीत जाना था अगर ये मैच मुकम्मल होता। लेकिन अब मैच तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन शहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रूफ ने एक छाप छोड़ दी है और अब एक पैगाम दे दिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड को। ना सिर्फ इंडिया को पैगाम दिया है बल्कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पैगाम दे दिया है कि वॉच आउट फॉर पाकिस्तान, वॉच आउट फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स इन क्रिकेट वर्ल्ड कप। बिकॉज एशिया कप तो हो रहा है, लेकिन एशिया कप एज अ तैयारी है वर्ल्ड कप की। मेगा इवेंट अभी आने वाला है और वो खेला जाएगा इंडिया में, इंडियन होम कंडीशंस में। अब इंडिया वाले तो परेशान हो गए हैं कि यार हम कैसे खेलेंगे शहीन अफरीदी को, नसीम शाह को, हारिस रऊफ में अहमदाबाद में, क्योंकि अब उनके पास, आपको पता है कि शहीन अफरीदी, इंडिया ने भी एतराफ़ कर लिया है, इंडियन जो मीडिया है उसने भी एतराफ़ कर लिया है, विक्रांत गुप्ता ने भी एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान का जो शहीन अफरीदी है वो कह कर आउट करता है इंडियन प्लेयर्स को। बेशक वो शहीन हो जाए, रोहित शर्मा हो जाए, विराट कोहली हो जाए, शहीन अफरीदी उनको कह कर आउट करता है कि यार ये बॉल आ रही है आपको, पहला ओवर है, बच सकते तो बच जाओ वरना आपकी मैं किल्ली उड़ा दूंगा। अब ना सिर्फ इंडियन मीडिया बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है बॉलिंग में, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग में, बड़ी तारीफ की जा रही है। और अब डिक्लेयर किया गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है इस वर्ल्ड कप का सबसे मोस्ट डेंजरस और वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बॉलिंग अटैक है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त बात हुई है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान एज अ नंबर वन टीम, क्योंकि इंशाल्लाह एशिया कप जीत कर पाकिस्तान एज अ नंबर वन टीम वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करेगी इंडिया में, तो उसके बाद अब पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी टैग मिल जाएगा कि वो नंबर वन दुनिया के फास्ट बॉलर्स हैं। तो पाकिस्तान इस बार काफ़ी अर्से बाद, यानी कि आप कह लें कि 1999 के वर्ल्ड कप के बाद 2023, 24 साल के बाद मौका आया है कि पाकिस्तान किसी वर्ल्ड कप में ट्रैवल कर रही है और एज अ फेवरेट ट्रैवल कर रही है। अलबत्ता अगर पाकिस्तान का ये बात देखी जाए कि पाकिस्तान जब भी फेवरेट होता है किसी टूर्नामेंट में तो उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जब पाकिस्तान अंडरडॉग होता है तब पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान जा रहा है फेवरेट और अहमदाबाद में इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का जो मुकाबला होने वाला है बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। कंडीशंस होम इंडिया की होंगी, क्राउड सारा इंडिया को सपोर्ट करेगा, लेकिन काम पे इंडिया की टांग रही होगी क्योंकि इंडिया फेस करेगा शहीन, नसीम और रऊफ को, जो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। एशिया कप का दूसरा मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा, जो कि सुपर फोर का एक इम्पॉर्टेंट मैच होने वाला है। वहाँ पर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में अब इंडिया के जो बैटर्स हैं कैसे इन प्लेयर्स को टैकल करते हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। अभी तक तो उनके पास कोई जवाब नहीं है पाकिस्तानी बॉलर्स का, कोई उनको टैकल करने का तरीका नहीं है, समझ नहीं आ रही उनको कि कैसे टैकल करना है। लेकिन अब 10 सितंबर को पता चलेगा कि क्या होता है और तब सिचुएशन भी डिफरेंट होगी। हो सकता है वो क्लबों की बजाय पाले अकेले भी मैच खेला जाए, और जो वेटर कंडीशंस बता रही है हो सकता है कि वो मैच भी बारिश की नज़र हो जाए या वो मैच भी हमें कम ओवर्स वाला देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एशिया कप तो फीका पड़ रहा है, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो तो थोड़े खतरे में आ रहे हैं कि हो या ना हो, लेकिन अहमदाबाद का मौसम क्लियर है, वहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को इंडिया को फेस करना ही होगा और वहाँ पर जो है इंडिया को हारने में मेरे नहीं ख्याल कोई बचा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मौसम भी क्लियर है, कंडीशन भी पाकिस्तानी बॉलर्स को फेवर करेंगी। बेशक इंडिया का होम कंडीशन है, इंडिया के बॉलर्स भी बड़े तगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला नहीं रखते हैं वो। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की धूम पूरी दुनिया में बच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस, उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक है उसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और बड़ा ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। और थोड़ा सा स्पिन बॉलिंग में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कंसर्न है, जिस तरह हमने रन कंसीड किए और कोई विकेट नहीं ले सके। पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में जो बॉलिंग करानी है स्पिनर्स ने, उसमें थोड़ा सा मामला अभी भी गड़बड़ है, तो वो जल्द से जल्द फहीम अशरफ हो सकता है वापस आ जाए टीम में अगले मैच में, या फिर एक स्पिनर नवाज़ को बैठाना पड़ जाए, तो वो थोड़ा सा कंडीशंस देखी जा सकती है। लेकिन अगर स्पिनर खिलाने पड़ गए तो स्पिनर्स पाकिस्तान के पास ऐसे नहीं है कि वो आपको विकेट ले सके। अगर पाकिस्तान एशिया कप या वर्ल्ड कप में कहीं में मार खाएगा तो हो सकता है वो वीक पॉइंट स्पिनर्स का हो। बैटिंग भी तरह की भी तगड़ी है, फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी है, अगर ये स्पिनर्स अगर थोड़ी सी अच्छी विकेट लेना स्टार्ट कर दे, थोड़ी सी समझदारी से बॉलिंग कराना स्टार्ट कर दे, तो पाकिस्तान की टीम और अच्छी बैलेंस हो जाएगी। इंडिया जो है इस टाइम पर घबराया हुआ है, सिचुएशन अभी तक ये है, पूरी दुनिया पाकिस्तान से घबराई हुई है और पाकिस्तान इस टाइम पे जो है वो डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को और डिजर्विंग डोमिनेट कर रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 माह है जो क्रिकेट के वर्ल्ड कप के अंदर वो अच्छे खेल रहे हैं पाकिस्तान में,
तो एशिया कप भी पाकिस्तान में आ सकता है और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।